तो आज से एक दो दिन पहले जब मैं अपने फोन में ये वाली वीडियो देख रहा था ना, तो मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज की रियलाइजेशन हुई। और वो रियलाइजेशन ये थी कि जब ये डिफरेंट कॉलेजेस या जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वाले हैं, ये अपने इवेंट्स के लिए, फंक्शंस के लिए, सेमिनार्स, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस के लिए इन यूट्यूबर्स को या फिर इन क्रिएटर्स को इन्वाइट तो कर लेते हैं, पर इन अ वे अनइंटेंशनली वो उन यूट्यूबर्स की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ एंड व्हाई दीज कॉलेजेस डिसरिस्पेक्ट दोज यूट्यूब क्रिएटर्स एंड व्हाट आर द थिंग्स दे नीड टू कीप इन माइंड बिफोर इन्वाइटिंग दीज यूट्यूबर्स, और इट वुड बी जस्ट बेटर इफ दोज यूट्यूबर्स जस्ट डिनाई देयर इनविटेशंस। तो वीडियो में जितने भी चैप्टर्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइम स्टैम्प्स, इफ यू वांट टू कैन गो चेक एंड स्किप देम आउट। पार्ट नंबर 1, व्हाई डू इवन दीज कॉलेजेस इनवाइट दीज यूट्यूबर्स एट द फर्स्ट प्लेस। तो देखो, किसी भी इवेंट का, किसी भी फंक्शन का, और तुम्हारे इस बात को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू ग्रैब द होल एसेंस ऑफ द टॉपिक। तो किसी भी फंक्शन का, किसी भी इवेंट का, फिर किसी भी कॉन्फ्रेंस का मेन एम ये होता है कि वहां पर जो अटेंडीज है, वहां पर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कुछ सीख के जाएं। अब सीखने ना सीखने का पैरामीटर ये है कि जो बंदा तुम्हें सिखा रहा है, यानी जो बंदा वहां पर स्पीकर है तुम्हारा, उसके साथ कितना कनेक्शन है, तुम उस बंदे से कितना रिलेट कर पाते हो। तो जब इंडिया में इंटरनेट बूम पर नहीं था, तो एक बात ये होती थी कि वहां पर लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो ये जो कॉलेजेस वाले होते थे, ये किसी बिजनेस लीडर को, किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी बड़े कॉर्पोरेट वाले बंदे को, या फिर किसी एकेडमिशियन को इनवाइट करते थे। अब वो बंदे आते थे, बोलते थे, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे रह जाती थी, वो गैप रह जाता था कि जब भी कोई बंदा उनको सुनता था तो वो उनसे रिलेट ही नहीं कर पाता था। और इसीलिए इनके वेबिनार्स के, फिर इनके कॉन्फ्रेंसेस के पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट रेट बड़ी लो होती थी। अब जैसे जैसे इंडिया में यूट्यूब बढ़ रहा है, तो यूट्यूब में जो क्रिएटर्स हैं जिनको तुम अपने स्क्रीन पर देखते हो, तुम्हारा उनसे रिलेशन बहुत अच्छा है, तुम्हारे उनसे अटैचमेंट बहुत है। तो ऑब्वियसली लोगों को पता है कि अगर वो किसी यूट्यूबर को इन्वाइट करेंगे तो उनका इन्फ्लुएंस उन पार्टिसिपेंट्स पर बहुत अच्छा रहेगा, और उस वेबिनार की एंगेजमेंट भी बढ़ेगी और पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी। तो दैट इज द रीजन व्हाई दीज कॉलेजेस इनवाइट दीज यूट्यूब क्रिएटर्स। नाउ पार्ट नंबर 2, वॉट इज द प्रॉब्लम विद दीज कॉलेजेस, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की है। प्रॉब्लम नंबर 1, द प्रॉब्लम ऑफ राइट टॉक। तो देखो, यहाँ पर 2 चीजें होती है, राइट टॉक और रियल टॉक। मैं सबसे पहले आता हूँ राइट टॉक पर। तो देखो, वो बातें नहीं होती जो तुम्हारे एथिक्स से और मॉरल से इतनी घिघिरी होती है कि उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई और अच्छी चीजें कहीं ना कहीं नीचे दब के रह जाती है, उसे हम कहते हैं राइट टॉक। वो बातें नहीं होती जो एक जनरल सोसाइटी के स्टैंडर्ड पर एक्सेप्टेबल नहीं होती है, भले वो बातें कितनी भी इंपॉर्टेंट हो। अब जैसे मैं सेक्स का एग्जाम्पल लूँ, तो तुम्हें पता है कि अभी भी इंडियन सोसाइटी के स्टैंडर्ड पर सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां पर तुम खुलेआम बात नहीं कर सकते हो। दैट इज नॉट राइट टॉक, जहां पर तुम मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करोगे, और उनमें रियल टॉक, जो बातें एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, वो दब के रह जाती है। अब ये रियल टॉक क्या है? तो देखो, रियल टॉक वो बातें होती है जो तुम्हारे जनरल सोसाइटी के स्टैंडर्ड के थोड़ा सा अगेंस्ट भी जाए, जो 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 तुम्हारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, लेकिन उन बातों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मानता हूं कि अगर तुम किसी यूट्यूब क्रिएटर को बुला रहे हो और तुम्हें पता है कि उस यूट्यूब क्रिएटर का इन्फ्लुएंस उस ऑडियंस पर बहुत अच्छा है, तो यू ऑलवेज ट्राई कि वहां पर राइट टॉक ना हो, भले रियल टॉक हो, उन बातों पर बात हो जिन बातों पर हमें एक्चुअली बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन टॉपिक्स पर हमें डिबेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी सोसाइटी आगे बढ़े। क्योंकि अगर तुम इस राइट टॉक में आगे बढ़ते जाओगे, तो तुम वही इंग्लिश में 4 क्वेश्चन पूछोगे जिनका कोई सेंस बने ना बने, तुम एक प्यारा सा वेबिनार ऑर्गेनाइज करोगे, तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन एक्चुअली में उस वेबिनार के ऑडियंस और वो यूट्यूब क्रिएटर दोनों बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाई होते हैं, और वो उस यूट्यूब क्रिएटर की डिसरिस्पेक्ट होती है। एक अनदर कल्चर इस राइट टॉक में ये हो गया है कि आजकल लोगों का है ना कि कोई भी बड़ा में तो उससे इंग्लिश में बात करो। आई डोंट नो व्हाई, अगर किसी बंदे को इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में बात करेगा, और अगर हिंदी में बात करेगा तो लोग बोलेंगे वो गवार है। मैंने देखा है पर्सनली, मैंने खुद के कॉलेज में देखा है कि अगर कोई बड़ा आदमी तो उससे इंग्लिश में बात करो, भले वो बंदा खुद हिंदी में बोल रहा है लेकिन हम इंग्लिश में बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज वो हमारे कल्चर बन गया है। तो ये जो राइट टॉक वाला कल्चर है ना, ये बहुत बेकार है। हमें सोसाइटी जो जनरल चीजें एक्सेप्ट करती है उससे ऊपर उठ के जाना पड़ेगा अगर हमें इस कंट्री को आगे लेके जाना है। तो अब आई एम नॉट सेइंग कि तुम खुले हम सेक्स की बात करो। देखो, यहां पर चीजें रियल टॉक में भी एक सही ढंग से बोली जा सकती है। इट इज अबाउट यू टू फिगर आउट कि तुम रियल टॉक को कैसे एक सही ढंग से ढालो। अब मैं इस वीडियो का एग्जाम्पल लूं तो मैंने श्वेताब की बात करी, तो श्वेताब ने जब इस वीडियो को लास्ट में अपनी रियल टॉक स्टार्ट करी, तो उस बंदे को बहुत बारी उसकी बातों को पूरे करने का मौका नहीं मिला। वाई? बिकॉज उनके राइट
टिकटॉक के डेफिनेशन से बाहर जा रहा था, विच इज वेरी रॉन्ग। अगर किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को बुला रहे हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम वहां पर राइट टॉक को गोली मारो और रियल टॉक करो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टॉक में अपने एथिक्स और मॉरल्स की बाउंड्रीज में रह जाओगे तो तुम्हारे कॉलेजेस के बच्चे या फिर इन वेबिनार्स का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर ग्रोथ होती है। नाउ द प्रॉब्लम नंबर टू, लैक ऑफ रिसर्च। तो देखो क्या होता है कि अगर तुम श्वेताब को इनवाइट कर रहे हो अपने वेबिनार के लिए, अपने कॉन्फ्रेंस के लिए, तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि श्वेताब किस टाइप का बंदा है और वो कैसी बातें करता है। अब तुम्हें पता है कि श्वेताब जब इतना रॉ बंदा है, इतना रियल बंदा है, वो खुलेआम बोलता है और वो चीजों को ढंग से बोलता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो यहां पर आकर तुम्हारे राइट टॉप वाली बाउंड्रीज में नहीं रहेगा। तो किसी भी बंदे को बुला रहे हो तो उसके पहले रिसर्च तो कर लो यार। यहां पर बुला के तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे हिसाब से बोले तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट द राइट वे, क्योंकि वो बंदा है उसकी जैसी एटीट्यूड है, वो जिस बात के लिए फेमस हुआ है अच्छी बातें करने के लिए और बिल्कुल ब्लंटली बोलने के लिए, वो अपनी पर्सनैलिटी सिर्फ तुम्हारे वेबिनार के लिए, तुम्हारे कॉन्फ्रेंस के लिए अब चेंज नहीं कर देगा। तो अगर किसी बंदे को बुला रहे हो उसके बारे में रिसर्च करो, और अगर वो बंदा तुम्हारे राइट टॉक वाले डेफिनेशन में आता है तो उसे इंक्लूड करो, वरना मत करो, वरना तुम उसको फिर से यहाँ पर बुलाते हो और उसे उसकी बातें कंप्लीट करने का मौका नहीं देते हो, तो विच इज वेरी रॉन्ग, वो डिसरिस्पेक्ट होती है। द प्रॉब्लम नंबर थ्री इज लैक ऑफ टाइम। तो मैंने बहुत बार देखा, ये सिर्फ एक वेबिनार की बात नहीं है, तुमने किसी बंदे से कोई क्वेश्चन पूछा और ये बंदे ने बोलना स्टार्ट किया तो टाइम कॉन्स्ट्रेंट है तो तुम फिर उसे कट शॉर्ट करते हो। देखो आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज ये चीज पॉसिबल है, पर भाई उस बंदे को पहले बोल दो कि इतना टाइम कॉन्स्ट्रेंट है और आपको अपने आंसर को इतने देर में कंप्लीट करना है, तो कम से कम उस बंदे की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं होगी, उसकी बात को उसे पूरा करने का मौका तो मिलेगा। तुम अगर उसे पहले बोल दोगे तो उसे पता होगा कि मुझे अगले 3 मिनट में अपने आंसर को रैप अप करना है। तो ये बड़े स्मॉल स्मॉल बातें हैं, क्योंकि अगर कोई क्रिएटर तुम्हारे बोलने पर आ रहा है तो इट इज योर ड्यूटी कि तुम उसे केयर करो, उसकी डिसरिस्पेक्ट ना करो, उसको पैम्पर करो। बट वॉट इज द वे आउट, वॉट इज द एक्चुअल सोल्यूशन? तो देखो सोल्यूशन इतना सा है कि सबसे पहले तो बंदे के बारे में रिसर्च करो, अच्छा लगे तो बुलाओ, नहीं अच्छा लगे तो ना बुलाओ। बंदे को मेल में सारी बातें पहले बता दो कि हम इस बारे में बात करने वाले हैं और आपको अपने आंसर्स यहां तक रोक के रखने हैं। बिकॉज अगर तुम बंदे को पहले नहीं बोलोगे और यहां पर आके वो कुछ बातें बोलने लगेगा और तुम बीच में उसको रोकेगा तो डैट इज 100% डिसरिस्पेक्ट। और उसके बाद यार तुम बंदे को जब बुला रहे हो तो उसके टाइम के बारे में बता दो, मतलब वेबिनार के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दो, उसके बारे में रिसर्च तो करो कि एटलीस्ट वो बंदा है तो उसके बारे में डिसरिस्पेक्ट ना हो। और ये चीज मैं देखता हूं। तो देखो इफ आई हैव टू कंक्लूड, मैं बस इतनी सी बात बोलूंगा कि किसी भी बंदे को बुला रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट करो, उसके पैम्परिंग करो और ये अपने राइट टॉक वाले डेफिनेशन से बाहर आओ, क्योंकि अगर तुम राइट टॉक वाले डेफिनेशन में रहोगे तो कोई फायदा नहीं है इन क्रिएटर्स को इनवाइट करना। अगर इनको बुला रहे हो तो इनकी पोटेंशियल का यूज करो और उस राइट टॉक को एक रियल टॉक में कन्वर्ट करो। सो गाइस दैट वाज एन एनालिसिस वीडियो ऑन माय साइड ऑन दिस टॉपिक। मैं बड़ा डिससैटिस्फाइड था देख के कि ये जो चीजें होते हैं इन कॉलेजेस में। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी के वीडियोस को देख लो, आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।